एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास. नाउ लेट स्टार्ट यूजिंग ट्रैक चेंज टूल्स. व्हाट इज ट्रैक चेंज टूल? ट्रैक चेंज इन फीचर्स इन MS वर्ड दैट अलाउ अस टू कीप ट्रैक ऑफ द चेंज with make to a document. It also allow us to accept or reject the track change, insert or delete comment or suggestion, etc. Let us say your friend create a document and email it to you for review or feedback. You can edit the document with the track change on. When you send a document back to your friend, he or she can see what change you had made. He and she can then accept or reject your changes, read your comments and suggestions, and take step improve document. How to do it? Let's see. Suppose that यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज व्हाट इज track change. What is track change? Yes. ठीक है, एक हम एक कोई भी वो ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. ट्रैक चेंज ले लेते हैं, ठीक है. और हम ट्रैक चेंज ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, यहाँ से ऑन कर लेते हैं. यहाँ पे पहले सबसे पहले मान सपोज वर्ड आपने खोला, रिव्यू में आएंगे, रिव्यू में आके यहाँ पे ट्रैक चेंज ऑप्शन को ऑन कर देंगे, ठीक है. और यहाँ से मैं ट्रैक को हटा देता हूँ. ये देखिए, ऑन करने के बाद ट्रैक को मैंने हटाया, यहाँ पे रेड कलर में ये शो होने लगा. एडिट को हटाइए, ऐसे ही मैं डिलीट करता हूँ, एडिट भी हट गया, लेकिन परमानेंट चेंजेस नहीं हो रहा है इसमें. इस लाइन में मैंने चेंजेस को हटा दिया, ये शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा. यू को हटाया मैंने. तो ट्रैक चेंज ऑप्शन में जब तक आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक वो एक्सेप्ट परमानेंट चेंज नहीं होगा, और रिजेक्ट कर दोगे चेंजेस है ही नहीं, ठीक है. और यहाँ बैलून्स है, बगल में बैलून्स क्लिक है, यहाँ पे आइए और शो द बैलून्स कर दी. देखिए कमेंट में आपने क्या क्या हटाया है, शो कर देगा. देखिए ट्रैक एडिट्स चेंजेस यू, देख रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, ट्रैक चेंज ऑप्शन में अगर कोई आपका फ्रेंड उसमें कोई भी चेंजेस करता है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक कोई चेंजेस नहीं होगा. और आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस उसने किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप करते हो तो ट्रैक चेंज ऑप्शन इसीलिए यूज़ किया जाता है. ओके, क्लियर? नाउ पेज सेटिंग ऑप्शंस इन डॉक्यूमेंट है. पेज सेटिंग के लिए कोई भी पेज आप ले लिए, ट्रैक चेंज ऑप्शन को अब मैं बंद करता हूँ. होम पे आ जाते हैं और पहले इसको वो कर लो, ऑफ करो. ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड करके फिर से वो कर दिया और पेज की सेटिंग यहाँ पेस्ट कर दिया फिर से. और पेज की सेटिंग करना है तो पेज सेटिंग के लिए
लेफ्ट में राइट में कैसे डॉक्यूमेंट को मार्जिन किया जाता है, ठीक है। इसको देखते हैं, पेज नंबर ये तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे कैसे हेडर फुटर पेज नंबर कैसे लगाया जाता है, ये पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो नाउ आप जाएंगे पेज लेआउट में, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए मार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी मार्जिंग आपको पेज में रखना है, नॉर्मल नैरो वाइड नैरो और ये सारा कुछ जो भी आपको रखना है, जिस तरीके से रखना है आप मार्जिंग कर सकते हैं। नॉर्मल है ये देखिए आपका पेज ऑप्शन चेंजेस होता जा रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल रख देते हैं, लैंडस्केप में रखना है, यहाँ साइज़ दे रखा है, जो भी साइज़ आपको यूज़ करना है A4 नॉर्मली यूज़ किया जाता है, A4 में रख लीजिए। तो पेज लेआउट पे ये सारा कुछ है, 1 2 चाहे जो भी है, जैसे भी है, 1 है, 2 रखना है 2 रखिए, 3 रखना है 3 रखिए, लेफ़्ट रखना है लेफ़्ट रखिए, राइट रखना है राइट रखिए, 1, ठीक है। इस तरीके से आप पेज लेआउट में जाके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+P का प्रेस करिएगा, Ctrl+P, यहाँ से आएगा प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ 1 पेज, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉपीज़ दिया हुआ है 1 के लिए, यहाँ पे ऑल, ठीक है। करंट पेज पे क्लिक करिएगा, जो करंट पेज इस समय है उस पर क्लिक करेगा, वो करेगा। पेजेस आपके अगर एक्स्ट्रा हैं 1 to 2, 2 to 3 यहाँ पे दे दीजिएगा, या तो इवन में या तो ऑड में, ठीक है। आपको पेजेस में ऑल करना है ऑल कर दीजिए, नहीं तो पेजेस देना है, पहले आपको निकालना है पहला, तीसरा, पांचवा, इस तरीके से पेज ऑड में निकालना है तो इस तरीके से दे दीजिएगा नंबरिंग, ठीक है। नहीं तो 1 2 2 3 4 5 अगर पेजेस ज़्यादा हैं, आपको 4 ही पेज की ज़रूरत है, 1 to 4 पेज बस कर दीजिएगा, वो प्रिंट दे देगा, ठीक है। ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें, बस इतना ही कुछ था आपके पेज में, ठीक है, मतलब इस वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो इसके बाद जो भी होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर दीजिए ना, जो भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम है व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, या कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और स्कूल आ ही रहे हो आप लोग, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है आके लैब में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।